हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो जैसे हमने आपको पहले टाइम में करा दिया था घड़ियों का अलग अलग टाइप के हिसाब से, तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने लास्ट टाइप जो घड़ी का है। तो इसमें आज देखने वाले हम घड़ी का तेज और मंद होना। इसमें क्या होगा, इसमें दो घड़ी होगी जिससे हमें एक घड़ी का दूसरी घड़ी के साथ कंपेयर करना है। ये हमारे पास दो घड़ी होंगी, ये तो हमारी बिल्कुल जो सही घड़ी होती है वो होगी, और जो हमारे पास दूसरी घड़ी होगी वो क्या होगी, इसमें खराबी होगी। इसमें क्या होगी, खराबी। इसमें खराबी कैसे होगी, जैसे कि ये वाली घड़ी तो बिल्कुल सही चलने वाली है, और ये घड़ी क्या होगी, इसमें कभी रुक जाना है, कभी चल जाना है, कभी बंद हो जाना है। तो इस तरह से क्या करना है, इस घड़ी का इस घड़ी के साथ कंपेयर करना है। तो कैसे करना है, अगर यह घड़ी बिल्कुल सही चलती रहे और यह घड़ी अगर रास्ते में रुक जाए, बीच में रुक जाए, तो इसका और इसका हमें टाइम का मिलान करना है कि अगर यह घड़ी 4 मिनट पीछे चल रही है, बंद होकर चल रही है, तो इस घड़ी के साथ साथ या कौन सा टाइम ऐसा होगा जो कि इसमें भी वही समय हो और इसके अंदर भी वही समय हो। तो इस तरह से हमारा टॉपिक है आज, तो जो हम क्लियर करने वाले हैं कौन से वाला, घड़ी का तेज और मंद होना। तो इसी तरह से हम कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। इसमें हमें दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, घड़ी का तेज मंद होना, रुकना, इसमें दो टाइप के बनते हैं। कैसे कि इसमें क्या होगा, दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। कैसे, जो पहला टाइप होगा हमारा, इसमें दो सूत्र हमें देखने हैं इस बार, ज्यादा हार्ड नहीं है, हल्का ही है, बहुत ही इजी सूत्र बनाया हुआ है। तो जो हमारा पहला टाइप होगा, ये वाला, ये जो पहला टाइप होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट होगा, जो फर्स्ट होगी हमारी संख्या, उसमें क्या होगा, उसमें देखना है हमें जो उसके जो लास्ट होता है क्वेश्चन का, लास्ट जब लास्ट की लाइन में पूछता है, तो इसमें क्या पूछेगा, उसमें क्या लिखा होगा, या तो समान समय, समान समय, समान समय बताओ, ठीक है, इस तरह से, या फिर वही समय ज्ञात करो जो पहले वाला था, बिल्कुल वही समय बताओ। ये पहचान है हमारी पहले टाइप की, कि इसमें कैसे पहचानेंगे कि इसमें ये सूत्र लगना है। दूसरे टाइप के भी हम अभी बताते हैं कैसे। इसमें केवल जो होता है प्रारंभिक समय, दिया होता है, इसमें क्या होगा, प्रारंभिक समय दिया होता है, ठीक है, और हमें बताना है कि जो हमारा टाइम है एक दूसरे की घड़ी से हमें रिलेट करके बताना है कि दोनों जो घड़ी है हमारी वो एक साथ एक टाइम पर कब होगी। तो इस तरह से हम देख लेंगे। दूसरा टाइप बनेगा हमारा, जो टाइप टू होगा, घड़ी का मंद या तेज होने में ही, इसमें क्या होगा, इसमें बताना है एक तो सही समय बताओ, या फिर इसमें दिया होगा लास्ट की लाइन में, इसमें दो टाइम दिया गया होगा, दो टाइम, एक पहला टाइम एक दूसरा टाइम, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। पहला टाइम और दूसरा टाइम, हमें दो टाइम दिया गया होगा, इसमें दो समय दिया गया होगा, इसमें क्या होगा, दो समय दिया गया होगा, या इसमें क्या होगा, इसमें होगा प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों समय से
प्रारंभिक तथा अंतिम समय दोनों दिए गए होंगे। इसमें हमें पहचान क्या बताई? एक तो इसमें पहले टाइम में समान समय, दूसरा बताना है वही समय, बात एक ही है। उसके बाद प्रारंभिक समय दिया होता है, इसमें प्रारंभिक समय दिया होता है, यानी कि एक ही समय दिया जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें एक ही समय दिया जाता है और इसमें हमें दो समय दिया जाता है, जिससे कि हम क्वेश्चन को पहचान कर सके और आंसर हम लगा सके। आसान तरीका है तो देख लेते हैं। जो पहला टाइप होगा इसी के अंदर करते हैं हम पहले टाइप की बात। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको फिर से मिल जाए, नोटिफिकेशन भी आ जाए। क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इसमें कुछ समझाने की वो नहीं है, तो इसमें सूत्र देख लेते हैं पहले और फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होगा, हमारा जो सूत्र होगा वो होगा हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ सूत्र, 720 बटे एक्स बराबर हमारा आ जाएगा आंसर में घंटे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, घंटे। ये है जो हमारा एक्स, हमारा क्या होगा, एक्स हमारा क्या होगा, जो हमें मिनट दी होगी, जो तेज हो या मंद हो, यहां पर होगी क्या, मिनटों की संख्या, मिनटों की संख्या, यहां पे क्या रखनी है, मिनटों की संख्या। ठीक है, यहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा पहले टाइप का। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन हमने लिखा है बहुत अच्छे से बनाकर, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है। प्रत्येक घंटे में कितनी मिनट लेट हो रही, 20 मिनट। यदि उसे सोमवार की सुबह 9 बजे सही समय दिखाया गया हो, यदि उसे सोमवार की सुबह 9 बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए वह घड़ी कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी। क्वेश्चन हमारा है, एक घड़ी
अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है। यदि उसे सोमवार की सुबह 9 बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए वह घड़ी कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी। तो सूत्र हमारा रहेगा 700 बटे एक्स। तो हमें अब क्या करना है, जब हमें यहाँ पता चल गया कि प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है, प्रत्येक घंटे में कितने मिनट हो जाती है लेट, 20 मिनट, एक घंटे में कितनी मिनट हो रही लेट, 20 मिनट, एक घंटे में कितनी 20 मिनट लेट हो रही है। तो यदि उसे सोमवार की सुबह 9 बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए घड़ी कितने घंटे बाद सही समय प्रदर्शित करेगी। तो रख देते हैं सूत्र में, क्या करना है 720, एक्स क्या है हमारा, मिनटों की संख्या जो भी लेट होगी या कम होगी कितनी है, 20 मिनट। यहाँ पे क्या आना है हमारा, घंटे यानी आंसर आने वाला है। तो यहाँ से कट गया पूरा 0 से 0, 2 से इसे काटते हैं, 2 × 6 = 12, कितने घंटे है हमारे पास, 36 घंटे, कितने आए हमारे पास 36 घंटे। अब 36 घंटे हमें क्या करना है, जो हमारी एक ये सही घड़ी है हमारी, दूसरी घड़ी हमारी मंद वाली है जो कि इसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है मंद घड़ी, तो यह सही समय बताने वाली है, यह मंद समय बताने वाली है, यानी रुक रुक कर चलने वाली है, यानी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो रही है, यानी बंद होकर क्या हो रही है, चल रही है। तो हमें क्या बताना है, इस वाली घड़ी से क्या करना है, कंपेयर करना है इसका और इसका, यानी कि अगर 12 यहाँ पर बज रहे हैं तो अब रुक रुक कर चलती जब आ रही है, तो जब ये 12 पर है तो इसका किस कितने घंटे बाद ये बिल्कुल इसके साथ में क्या करेगी, सही समय दिखा देगी एक साथ, यानी क्या बजेगी, इनकी घंटी बजेगी जो कि सही समय इसमें हो रहा होगा, और ये मंद वाली जो घड़ी होती है ये इसके साथ कब आकर एक मतलब अपना जो घंटा है वो बिल्कुल सेम आने वाला है, तो कितने घंटे के बाद क्या करना है, इसको सही समय दिखा सकती है, तो हमें वो बताना है। तो 36 घंटे जो आया हमारा आंसर, तो इसमें हम देख लेते हैं अब कितने मतलब किस टाइम और कौन से दिन क्या बताएगी, सही समय बताएगी। इसमें क्वेश्चन में दिया था यदि उसे सोमवार की सुबह 9 बजे सही समय दिखाया, इसने सोमवार वाले दिन दोनों ने सही समय दिखाया, लेकिन यह तो अपने सही समय से चलती रही, लेकिन ये क्या है कि 20 मिनट हर घंटे में, एक घंटे में कितनी 20 मिनट की देरी से चल रही है। तो हमें क्या करना है, इस वाली जो घड़ी है जो मंद वाली है, इससे हमें इस वाले को क्या करना है, पकड़ना है ताकि ये 20 के साथ हो जाए। तो इसी तरह से क्वेश्चन था हमारा। तो अब क्या करना है हमें, जो 36 घंटे है इसे बिल्कुल आसान करने के लिए क्या करना है हमें, इसको हमें 24 घंटे में या 12 घंटे में हमें तोड़ लेना है, क्योंकि हमारा क्या होगा, एक दिन हो जाएगा, तो 24 घंटे तो क्या होगा, एक दिन प्लस हमें करना है कितना 36, तो और कितने बचे हमारे पास, 12 घंटे और बचे, कितने बचे हमारे पास 12 घंटे और, यानी ये कितना हो गया, डेढ़ दिन हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, जो सोमवार वाले दिन क्या था, किस टाइम सही समय बताया था उसने, 9 बजे बताया था, और सुबह के टाइम क्या होता है हमारा, एएम। तो इसी तरह से क्या करना है, अब 24 घंटे का हमारा दिन होता है, तो अगले दिन में पहुंच जाएगी बात, तो 24 घंटे में यानी मंगलवार वाले दिन क्या टाइम हो रहा होगा, यानी 24 घंटे इसमें जोड़ने के बाद
अगले दिन पर आ जाता है तो सुबह के ही 9 बज रहे होंगे। सुबह के क्या बज रहे होंगे? 9 बज रहे होंगे। तो क्या करना है जब सुबह के 9 बज रहे हैं लेकिन हमारे पास क्या 12 घंटे भी बच रहे हैं, तो 12 घंटे और इसमें ऐड कर लेते हैं। 12 घंटे जब हमने और जोड़े तो मंगलवार वाला दिन ही रहेगा, चेंज तो होने का नहीं, मंगलवार वाला दिन ही रहेगा। 12 घंटे में से ऐड करने हैं तो ये सुबह के 9 बज रहे हैं तो शाम के 9 बजेंगे 12 घंटे के बाद, तो 9 बज जाएंगे किस टाइम? शाम को, यानी पीएम। यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो क्या है कि मंगलवार वाले दिन शाम को 9 बजे क्या होगा, बिल्कुल सही समय दिखा देगी हमारी घड़ी, जो कि रुक रुक कर हमारी घड़ी चल रही थी। तो इस तरह से क्वेश्चन किया हमने। क्वेश्चन में ये भी आ जाता है आंसर कि कितने समय बाद सही समय दिखाएगी, तो 36 घंटे बाद। और अगर क्वेश्चन को और ज़्यादा टफ कर दिया जाए तो इसमें दिन भी पूछ लेता है, तो चाहे हमारे पास घंटे पूछ ले या फिर हमारे से दिन पूछ ले, आंसर हमारे पास आगे निकल कर। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो तो मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ यहाँ से, बस क्या करना है चेंज कर देना है मुझे टाइम और घंटे जितना भी, जिसकी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इस बार आ जाने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ। क्वेश्चन दूसरा है हमारा, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 18 मिनट कर लेते हैं, 18 मिनट लेट हो जाती है यदि उसे सोमवार को शाम 3 बजे, सोमवार को शाम 3 बजे सही समय दिखाया गया तो बताइए वह घड़ी कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी। तो वही बात आ गई, इसमें क्या होता है दो घड़ी होती है, एक घड़ी इसमें लेट होती है, दूसरी घड़ी हमारी सही समय बताती है। तो हमें क्या बताना है, अब जो लेट घड़ी चल रही है उसका हमें सही समय बताना है कि किस टाइम इस वाली घड़ी के साथ बिल्कुल मिलने वाली है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल क्वेश्चन को हमें एक बार ही पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर दे देना है। हमें यहाँ से पता चल गया कि कितने मिनट लेट है, 18 मिनट लेट है, और कौन सा दिन था, सोमवार वाला दिन, और टाइम क्या हो रहा था, शाम के 3 बज रहे थे। बस हमें क्या करना है, सूत्र में रख देना है। तो क्या है सूत्र हमारा, 720 बटे एक्स, एक्स हमारा क्या है मिनट, मिनटों की संख्या, तो कितना है हमारा 18 मिनट हमने रख दी, और बस हमें कर देना है भाग इसको, 18 चौक 72 कितना होगा 40, ये होगी हमारे 40 घंटे। कितना है हमारे पास 40 घंटे, जब हमारे पास 40 घंटे आए तो हमें क्या कर देना है, या तो इसका आंसर यहीं पर दे दो अगर ऑप्शन में है, और अगर ऑप्शन में ये है कि कौन सा दिन था और टाइम क्या था तो इस हिसाब से हम इसे आगे कर लेते हैं। तो क्या करना है, सोमवार का दिन था, सोमवार का तो हमारे पास दिन था, और शाम के क्या बज रहे थे 3, शाम को जब 3 बजते हैं या शाम के बजते हैं तो क्या होता है हमारे पास पीएम, तो शाम के क्या बज रहे थे हमारे पास 3 बज रहे थे जो कि पीएम में होता है। तो हमें अब क्या बताना है कि वही दिन बताना है जो हमें ऑप्शन में दिया गया है। तो हमें क्या करना है, 40 घंटे बाद हमें क्या बताना है, वही समय बताना है जो कि हमारा सही समय घड़ी बताने वाली है। तो क्या होगा, तो 40 घंटे होते हैं तो इसमें क्या कर देना है, ऐसे तोड़ देना है कि इसमें 24 घंटे में और 12 घंटे में, तो कर लेते हैं 24 घंटे, 24 घंटे हो गए,
अब बचने बचे कितने हमारे पास, 16 घंटे, 16 में से 12 घंटे और अलग कर लो, 12 कितने बचे हमारे पास, 4 घंटे। ये क्या हो गया हमारे पास, कितने घंटे हो गए, 40 घंटे। 40 घंटे हो गए अब हमारे पास ये टोटल। अब हमारे पास क्या करना है, अब जब दिनों को काउंट करना है, तो सोमवार था, सोमवार के 24 घंटे बाद हमें क्या कर देना है, ये आएगा 24 घंटे बाद मंगलवार जब आएगा तो टाइम क्या हो रहा होगा, उस टाइम भी 3 बज रहे होंगे, वो भी शाम के। उसके बाद बचे हमारे पास 12 घंटे और 4 घंटे, 12 घंटे और जोड़ लेते हैं इसमें, 12 घंटे और जोड़ते हैं हम इसमें, तो क्या होगा, ये हो गया शाम के 3 बज रहे हैं, लेकिन जब 12 घंटे जोड़ देंगे तो हम पहुंचेंगे मॉर्निंग के टाइम, सुबह के टाइम, ठीक है, तो टाइम क्या होगा 3 AM। तो मंगलवार तो हमारा ख़त्म हो गया, मंगलवार के बाद बुधवार, मंगल के बाद बुधवार जो हमारा टाइम हो रहा होगा 3 बज रहे होंगे, लेकिन वे किसके होंगे, AM के, यानी मॉर्निंग के, सुबह के टाइम के। अब इसी तरह से हमारे पास क्या बचा, 4 घंटे और बचे, तो 4 घंटे जब हम करेंगे इसमें तो 12 घंटे में या 24 घंटे में अंतर होता है, तो हमने क्या करना है, अब ये 4 घंटे बचे तो 4 घंटे इसमें और जोड़ देने हैं, 4 घंटे में और जोड़ देने हैं, जो कि बुधवार के ही होंगे। तो बुधवार का टाइम क्या हो रहा होगा, 7 बज रहे होंगे, ये टाइम क्या है हमारा, AM, जो कि मॉर्निंग का टाइम है। तो क्या हुआ हमारा आंसर, 7 बजे, कौन सा दिन, बुधवार। तो क्या है हमारा आंसर, बुधवार को 7 बजे मॉर्निंग में क्या होगा हमारा, जो घड़ी है हमारी वो बिल्कुल सही समय प्रदर्शित कर रही होगी, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, मॉर्निंग का 7 बजे, जो बुधवार वाला दिन है, उस टाइम क्या होगा, सही समय हमारा दिखा देगी। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो लास्ट है हमारा। वैसे तो क्वेश्चन में आपको PDF के रूप में दे दूंगा, जो कि आपको कुछ दिनों के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, फेसबुक पर, उस पर भी मिल जाएगा, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी हम सेंड कर देंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको PDF सेंड करा देंगे, वहाँ से भी आप उठाकर क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन और ले लेना है, उसके बाद चलना है दूसरे टाइप की ओर, आज आपकी घड़ी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद नया चैप्टर लेंगे हम। एक घड़ी अपने खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 40 मिनट तेज हो जाती है, इस बार क्या तेज हो जाती है, पहले तो लेट थी, इस बार कर लेते हैं हम तेज, यानी ज़्यादा तेज चल जाते, तेज हो जाती है, यदि उसे मंगलवार सुबह नौ बजे सही समय दिखाया गया हो, तो बताइए वह घड़ी कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी। तो कुछ नहीं करना है हमें, मिनट भी मिल गई, कितने मिनट, 40 मिनट, यहाँ पर कर देते 40 मिनट तेज हो जाती है, तो हमें क्या बताना है, अब सही समय बताना है कि कब जो हमारी सही घड़ी है और जो मंद घड़ी है या तेज घड़ी है, तो अब वो कब हमें सही समय दिखा देगी। सूत्र हमारा ये था 720/x, हमें क्या करना है, x की जगह हमें क्या लेना है, 40, जो कि हमारे पास मिनट है,
40 मिनट ली, 0 से 0 कट गई और 4 एकम 4, 3 बचे 4 8 32, कितना आया हमारे पास 18 घंटे। हमारे पास कितने घंटे आए? 18 घंटे। अगर ऑप्शन में हमारे पास 18 घंटे हैं तो हम यहीं पर हम इसे टिक कर सकते हैं, और अगर और ज़्यादा डीपली पूछ लिया जाए तो ऑप्शन में चेंज हो जाएगा, मंगलवार 4 बजे, बुधवार 6 बजे, कुछ इस तरह से जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, अब जो 18 घंटे हैं इसको हमें क्या कर लेना है, या तो 24 के घंटे में चेंज कर देना है या फिर 12 घंटे में। तो हमें क्या करना है, 12 घंटे और हमारे पास कितने थे 18 घंटे, तो 6 घंटे और थे इसमें अलग से, तो कितने हो गए हमारे पास 18 घंटे। ये भी हमारे पास कितने हैं, 18 घंटे हो गए। अब जब हमारे पास 18 घंटे हो गए तो हमें मंगलवार वाले दिन क्या बताया था, सुबह 9 बजे से ही समय इसने बताया था, तो हमें क्या बताना है, जब सुबह ही क्या बज रहे थे, 9 बज रहे थे, कौन से दिन, मंगलवार वाले दिन। मंगलवार वाले दिन टाइम क्या हो रहा था हमारे पास, 9 बज रहे थे, कौन सा टाइम, सुबह का, यानी कि AM, क्या था AM। हमें क्या करना है, अब 12 घंटे हमारे पास ये रहे, तो 12 घंटे जब इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास मंगलवार वाले दिन का ही, मंगलवार वाले दिन का ही क्या हो रहा होगा, शाम के क्या बज रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे, शाम के क्या बज रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे, यानी PM बज रहे होंगे। हमारे पास कितने घंटे और हमारे पास कितने हैं, 6 घंटे और हैं, तो इसमें हमें क्या कर देना है, 6 घंटे और जोड़ देना है। यहाँ पर हमने 12 घंटे जोड़े, 6 घंटे और जब जोड़ते हैं, देखा कि शाम के 9 बज रहे हैं, 12 बजे तक तो हमारा क्या रहेगा, मंगलवार, लेकिन 12 बजे के बाद क्या होगा हमारा, बुधवार। तो हमारे पास जब देखा, जो बुधवार है वो कब आ जाएगा, रात के 12 बजे के बाद, तो 9 और 6 कितने हो गए हमारे पास, 9 10 11 12, यानी 4 घंटे इसमें जुड़ने के बाद, 3 घंटे जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, 12 बज जाएंगे। यहाँ तक हमारा 12 बज गए, लेकिन 12 के बाद और कितने घंटे बचे हमारे पास, 3 बजे, तो हमारा क्या टाइम हो रहा होगा, इस टाइम पे 3 बज रहे होंगे, तो कौन सा टाइम हो रहा होगा, जो हमारा 3 बजा है वो हमारा क्या होगा, AM का, वो क्या आएगा हमारा AM का, कौन से दिन, बुधवार वाले दिन। तो बुधवार वाले दिन क्या होगा हमारा, सुबह के 3 बजे, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, उसी टाइम हमारा क्या दिखा देगी, सही समय हमारी घड़ी दिखा देगी। तो इस तरह से देखा कि कितना आसान है करना, और अगर डायरेक्ट यही करना है तो 18 घंटे हमारा आंसर आ ही गया, और अगर और ज़्यादा डीपली होगा तो हम यहाँ तक सोल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से।